हेलो, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना। सो स्टार्ट हो रही है मेरी मॉर्निंग विद कड़ी। हाँ, तो कड़ी बना रही हूँ मैं दोपहर के लिए। और ये देखिए, कढ़ाई में जो उतारी है मैंने, इसमें बनाई थी पकौड़ी, तो पकौड़ी भी तैयार है और कड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी ही है। और अभी मैं बनाऊंगी पराठे, लेकिन उससे पहले मैं जो भिंडी है उसको गरम कर लेती हूँ। भिंडी बनाई थी रात को और एक साइड पे कड़ी बन रही है, तो भिंडी मैं इसी वाली गैस पे पराठे बनाने से पहले गरम कर लेती हूँ। और मम्मी के लिए बनाऊंगी ऑमलेट, तो ऑमलेट के लिए मैं ले लेती हूँ एक कटोरी। और इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले कुछ ज़्यादा नहीं, बस नमक मिर्च। तो ये देखिए, जो भिंडी है ये हो चुकी है गर्म, तो अंडे को फेंट लेती हूँ मैं। बड़ा ही बिजी शेड्यूल होता है मॉर्निंग के टाइम का, तो इसको रख देती हूँ मैं साइड में। और तवा चाहिए मुझको, तो इसको मैं बनाऊंगी अंडे को नॉनस्टिक तवे पे। आज नॉर्मल वाला रोटी का तवा यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, और मोस्टली अंडा जो हम नॉनस्टिक तवे पे ही बनाते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी ताकि अंडा अच्छे से फ्राई हो जाए। साथ ही साथ मैं दीव को भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि वो खेल रही है बाहर। और ये मैंने डाल दिया अंडा, इसको हल्का हल्का सा फैला देती हूँ मैं, ताकि जो साइज है ना अंडे का वो बड़ा हो जाए। तो जब तक अंडा हो रहा है, मैं दीव को एक बार फिर से देख के आ रही हूँ। अब चली गई है मम्मी दीव के पास, तो मैं अंडे को चेक कर लेती हूँ कि वो एक साइड से हो गया या नहीं हो गया। तो ये देखिए, मेरा जो अंडा है वो बहुत अच्छे से हो गया था। और नॉनस्टिक तवा तो चिपकेगा तो है ही नहीं, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और बना लेती हूँ मैं पराठे फटाफट से, क्योंकि शैंकी को जाना है रजमन, और वहाँ पे लगा हुआ बड़ा ही, तो थोड़ा सा देख लेता है वो जाके। तब तक फटाफट मेरे पराठे भी बनके तैयार हो जाएंगे, और मैं मम्मी के, अपने, शेंकी के, पापा के भी पराठे बना के रख दूँगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि मुझे घर जाना पड़ जाता है, तो फिर मैं आराम से चली ही जाती हूँ। कड़ी अभी भी पक रही है मेरी, तो जब ये पक जाएगी तो मैं गैस जो है वो बंद कर दूंगी। तो पराठे पे हल्का सा ऑयल लगा दूंगी और इसको पलट दूंगी। तो पराठे वगैरह सब बना लिए हैं और नाश्ता भी कर लिया है, तो अब मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी पापा के लिए, क्योंकि कड़ी पापा खाते नहीं हैं, खा लेते हैं लेकिन इतना मन से नहीं खाते हैं। तो मैं आलू जो है वो बना देती हूँ। तो मैं ढूंढ रही हूँ बास्केट आलू को छीलने के लिए, तो मैं आलू छील देती हूँ। तो ये देखो, मेरी जो बास्केट है वो दीव उठा के ले गई है, तो मैं इसको गैस पे रख देती हूँ। तो ये सारे आलू जो है मेरे छिल गए हैं, इसको काट के मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और इसको हम चिप्स वाले आलू बोलते हैं, गोल गोल इस तरीके से काट के, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, और पापा को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता, तो उनको ये वाली सब्ज़ी बना के दे दो, तो वो बहुत आराम से खा लेते हैं। यहाँ पे ये कट हो गए मेरे सारे आलू, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, और आलू को मैं धोने के लिए रख दिए। और साथ ही मैं एक प्याज काट लूँगी, मीडियम साइज़ की प्याज है। तब तक कढ़ाई में जो पानी है हल्का सा वो भी सूख जाएगा, तो
पानी सूख गया है, इसमें मैंने हल्का सा डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल और मसालेदानी मैंने निकाल ली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको पास से दिखा दूँ। वैसे तो मैं इसकी रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और बहुत ही इजी होती है ये वाली सब्ज़ी बनाना। जस्ट प्याज टमाटर की सब्ज़ी। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी अपने आलू, थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे आलू हल्का सा तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। और एक जब तक ये फ्राई हो रहे हैं जल्दी से फटाफट से दो बहुत ही छोटे छोटे से टमाटर काट रही हूँ मैं, क्योंकि ये हमारे अपने गार्डन के टमाटर है तो बहुत खट्टे होते हैं ये वाले। और इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे कि नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, रंग वाली मिर्ची, तो ये सब ऐड कर दूँगी मैं इसमें। देखिए मसाला ऐड करते ही सब्जी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है ना, तो इसको थोड़ी देर ढक ढक के पकने देंगे। तब तक मैं शेल्फ साफ़ कर लूँ थोड़ी सी, और ये मैं जो कड़ी है वो उतार के मैंने साइड में रख दी, क्योंकि मैं कड़ी में लगाऊंगी तड़का। और तड़का पैन मैंने गैस पे रख दिया है और साथ ही निकाल ली अपनी फिर से मसालेदानी, और इसमें मैं डालूंगी हींग और जीरा, क्योंकि नमक मिर्च तो पहले से ही ऐड है उसमें। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी रंग वाली मिर्चें, ताकि वो जो रेड रेड सा कलर आता है वो उससे ही आता है, अच्छी लगती है फिर देखने में। तो ये हो गया तड़का मेरा रेडी। तो मैं देखिए कड़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो ये हो गई मेरी कड़ी रेडी, और अब मैं इसके लिए कड़ी के लिए मैं राइस जो है वो भी बनाऊंगी, क्योंकि लंच में फिर बना हुआ हो तो सब अपने आप लेके खा लेते हैं। तो राइस जो है वो मैंने अच्छे से वॉश करके बॉयल होने के लिए रख दी है गैस पर। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें हल्का सा ऑयल और बहुत ही हल्का सा नमक डाल दूँगी, क्योंकि फिर इससे खिले खिले से बनते हैं जो बॉयल वाले जो राइस हैं वो भी। और साथ ही मैं अपनी सब्ज़ी भी चेक कर लूँ, तो ये हल्की सी जो है वो पक चुकी है। तो आलू भी गलानी है मैंने काट के देख लिया, तो इसको थोड़ी देर और पकने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं काट लेती हूँ धनिया, क्योंकि सब्ज़ी में धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे भी धनिया जो है बहुत सारा लेके रख लिया था, तो इसको मैं काट के रख दूँगी डिब्बे में, ताकि जो भी इस्तेमाल करे सिर्फ धो के इस्तेमाल कर ले। इस तरीके की डिब्बी में हम करके रख लेंगे इसको, और ये दो दिन तो आराम से चल जाता है धनिया। तो पहले मैं स्टोर कर लूँगी इसको, और धनिया मैंने पहले ही साफ करके रख लिया था। इससे क्या होता है काम करने में बहुत ही इजी रहता है, और फटाक से मतलब जल्दी से हम इंस्टेंटली धनिया को धो के इस्तेमाल कर लेते हैं। और बाकी का थोड़ा सा धनिया मैंने सब्ज़ी में डालने के लिए छन्नी में डाल लिया, और अब इसको मैं वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने धनिया वॉश कर लिया है, और पानी इसका नीचे ना गिरे इसलिए छन्नी में रख लिया। तो ये देखो सब्ज़ी जो है वो हो चुकी है, इसमें ऐड कर दूँगी मैं अपना धनिया जो मैंने धो के रखा, और इसको थोड़ा सा चला के मैं गैस बंद करके इसे ढक देंगे। और एक तरफ जब तक मेरे जो चावल हैं वो बॉयल नहीं हो जाते, तो मैंने सोचा आटा भी गूंद के रख लेती हूँ मैं शाम के लिए, क्योंकि मुझे शाम को अगर मेरी आँख लग जाती है ना दिन में, तो शाम को मुझे बहुत आलस आता है, मन नहीं करता मुझे काम करने का। तो मैं फटाफट से आटा भी गूंद के रख लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा जो शाम का जो आधा काम है ना वो हो चुका, बस एक सब्ज़ी बनेगी शाम को,
क्या बनेगी पता नहीं, देखते हैं शाम की शाम को। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो अभी आप लोगों ने देखा ना मेरा कितना जो ब्रेकफास्ट लेकर लंच तक का रूटीन कितना ही ज़्यादा मतलब भाग दौड़ वाला होता है। फटाफट फटाफट सारे काम करने पड़ते हैं और जस्ट फ्री हूँ, लेकिन अभी फ्री बिल्कुल फ्री, क्योंकि ये सब काम हो चुका है। पापा अभी तक नहीं आए हैं और टाइम मैं आपको बता दूँ तो उस टाइम जब मैंने सारा काम अपना फिनिश किया था, मैंने स्टार्ट किया था, मक्खी तंग कर रही है, मैंने स्टार्ट किया था 10:30-11 के समथिंग मैंने सारा काम अपना स्टार्ट किया था और 12:15 मेरा सारा जो काम था वो फिनिश हो गया था। और अभी बज रहा है 3:00। दीयू भी सो के उठने वाली है क्योंकि 12:30 बजे वो सो चुकी थी, तो वो उठने वाली है बस थोड़ी देर और। जब वो सो जाती है तो मेरा मन नहीं लगता, सो जाती है तो मन करता उसको उठा दो, और जब नहीं सो रही होती तो उसको ये होता है कि चल जल्दी से सो जा सो जा सो जा। बस यही रहता है, बच्चों के बिना मन भी नहीं लगता है और बच्चे शैतानी करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत शैतानी कर रहे हैं बच्चे। तो बस पीछे आके बैठी थी, थोड़ा सा मौसम सुबह से तो अच्छा हो रहा था, लेकिन इस टाइम जो मौसम है बहुत तेज़ धूप हो गई है, सुबह बारिश हुई है, एकदम काला वाला मौसम हो गया था और हवा बहुत तेज़ थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन यही मौसम रहेगा, इतना बहुत अच्छा मौसम था। लेकिन अभी अभी बहुत तेज़ धूप है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो धूप बहुत तेज़ धूप है। मौसम एकदम से टर्न ले लेता है ना, बदल जाता है मौसम, ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई मैजिक है, मैजिक ही है। पता चल जाता है कि कब बारिश आने वाली है, कब आंधी आने वाली है, पता नहीं कैसे सबको पता चल जाता है, एक मैजिक की तरह हो जाता है ना ये सब अचानक से सब कुछ। और एक सोचती भी हूँ कि हम लोग तो घरों के अंदर रहते हैं, जैसे हमारे घर पक्के हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, तो उनके लिए आंधी तूफान कितने मुश्किल भरे दिन वाले होते हैं। हम लोग प्रे करते हैं कि बारिश हो, और कुछ लोग तो यही प्रे करते होंगे कि बारिश ना हो, क्योंकि उनके घर कच्चे होते हैं, उनमें पानी आता है। कुछ लोगों के तो घरों की छत आंधी तूफान में उड़ भी जाती है, तो कैसे मैनेज करते होंगे वो लोग। और मैं आपसे एक मैं आपको अपने आसपास का बताती हूँ कि हमारे घर से मतलब कुछ दूरी पर एक एरिया है बेगमपुर एरिया, वहाँ पर जो है रोड पे लोग रहते हैं, रोड पे मतलब टेंट वगैरह या जो कपड़े वगैरह चद्दर वगैरह की शेड करके उस पे लोग रहते हैं, तो उनके लिए ये तो धूप, तो इमेजिन कर सकते हो आप लोग कि धूप में रहना, और वो भी छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं इन लोगों के, वहीं पर हो जाते हैं, वहीं पर उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। और सोचो बिल्कुल मतलब वो वाली जो रोड है ना, वो रोड हाईवे की तरफ जाती हैं, दिल्ली की तरफ जाती हैं, हरिद्वार की तरफ आती जाती हैं वो रोड, देहरादून, तो ट्रैफिक कितना होता होगा, और बड़े वाहन तो ऑब्वियस सी बात है आते जाते रहेंगे, तो रात के टाइम बिल्कुल पास से कोई ट्रक निकलता होगा तो जान निकल जाती होगी। तो बहुत, मैं जब भी उधर से निकलती हूँ तो मैं जिसके साथ भी होती हूँ मुझसे ये कहती हूँ, यार रात को कैसे डरने लगता होगा इन्हें। और जो ट्रक ड्राइवर होते हैं या बस के ड्राइवर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई तो वो लोग डिवाइडर पे ही रहते हैं, डिवाइडर के ऊपर ही घर बना के, फुटपाथ के ऊपर घर बना के। तो मैं सोचती हूँ ना तो मेरे को रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, कि किस तरीके से रहते होंगे। और पता है वो लोग वहीं पे खाना बनाते हैं, वहीं पर रहते हैं, तो सोच के बड़ा ही अजीब लगता है कि मौसम, हम कहते हैं यार मौसम अच्छा हो जाए हम घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करे होंगे, लेकिन कई लोग प्रे करते होंगे ना कि कुछ भी ना हो इस तरीके का, वरना परेशानी हो जाएगी। हम लोग तो रात को कोई चीज़ नहीं मिलती तो उठ के ढूंढ लेते होंगे, ये लोग कैसे करते होंगे ना, हम तो लाइट जलाते हैं फटाक से चीज़ मिल भी जाती है, ये लोग वहीं पे रहते होंगे अंधेरे में,
नेचर के ऊपर डिपेंड। रात को ठंडी हवा खाते होंगे, पूरा दिन धूप में कितना अजीब लगता होगा। और सर्दी में रात की ठंड, दोपहर की धूप अच्छी तो रात की ठंड। जिंदगी किसी के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है ना। तो मैं भी कितनी बातें करने बैठ जाती हूँ ऐसा लगता है मुझको, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मुझे छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो इफ़ेक्ट कर जाती है। मैं बहुत सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में। मैं बहुत लोगों पे तरस खाती थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से कहती थी, और इतना बड़ा जो इंसिडेंट है वो मेरे साथ मेरी रियल लाइफ में हो गया। तो दूसरों के लिए मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश करती थी, बट खुद के लिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। 6 महीने हो गए, 6 महीने बहुत होते हैं। ऐसा लगता है कि 6 महीने में कैसे रह रही, अजीब लगता है मुझको। 6 दिन भी नहीं रहती थी मैं 6 महीने कैसे रह रही। जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है यार। और जिंदगी और बच्चे बच्चे जीने का सहारा होते हैं, ये मुझे अब फील होता है। वैसे मुझे इन चीज़ों को इग्नोर करती हूँ मैं, इन बातों को, बट खुद से ही मैं बातें करती हूँ। आप लोगों को शायद यकीन ना हो, मैं खुद से बहुत बातें करती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। एक टाइम आता है कि मुझे लगता है कि मुझे अकेले रहना चाहिए, तो मैं अकेले रहती हूँ, मैं खुद से बातें करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझ में ऐसा फील करती हूँ। बहुत बात करती हूँ मैं अपने आप से। अभी चेंज द टॉपिक, पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ यार ना करूँ, बट स्टिल नहीं हो पाता मुझसे। तो काम डन करने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप को। तो चलिए मैं अपने वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के संग। तब तक के लिए आपको बाय। और हाँ प्लीज़, अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं ना, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लाइक के पैसे नहीं लगते, प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए। और अभी भी मैं कह रही हूँ 26% लोग मेरे जो चैनल है ना उसको बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आप लोग देखते भी तो हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे पता है कि आप लोग ही रियल टाइम दे रहे हैं मुझको, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक ही बार काउंट होगा आपका, सब बार बार थोड़ा होगा, तो प्लीज़ कर दीजिए। और कल का मेरा फ्रिज क्लीनिंग का ब्लॉग भी आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने पहली बार कुछ इस तरीके का डाला है, और आगे भी सोचा है कि कुछ ना कुछ डालती रहूँगी। शायद शाम को डालूँ, शायद रात को डालूँ, लेकिन डालूँगी ज़रूर। मैंने सोचा है कि छोटा सा डेली व्लॉग के साथ एक छोटा सा ये भी डाला करूँगी रोज। ओके, तो चलती हूँ, बाय बाय।